वेलकम वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग जमशेदपुर झारखंड, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग। तो अगर आप HBSC का ट्रेनिंग करने का सोच रहे हैं, HBSC फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है, जो यहाँ के स्टूडेंट को स्किल्ड और कॉम्पिटेंट बनाता है, जिसके बेस्ड पे टेक्नो के स्टूडेंट्स किसी भी कंपनी में जाकर कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू देते हैं और इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग के दौरान आपको थ्योरेटिकल ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है और उसके बाद प्लांट का विजिट भी कराया जाता है। हमारा ये मकसद होता है कि हम आपको ट्रेनिंग देकर इस लायक बना दें कि आप किसी भी कंपनी में जाकर कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दे सकें और इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली काम कर सकें और एक कामयाब जिंदगी गुजार सकें। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप नहीं जानते हैं कि HBSC होता है क्या है, तो चलिए मैं आपको HBSC के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। HBSC का मतलब होता है हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। HBSC का इस्तेमाल किसी भी रूम के टेम्परेचर और एयर के क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। मतलब अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर यानी रूम के बाहर का टेम्परेचर अगर ज्यादा हो, तो हम चाहते हैं कि हमारा रूम ठंडा रहे, और अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो, तो हम चाहते हैं कि हमारे रूम का टेम्परेचर गर्म रहे, ताकि हम कंफर्टेबली रूम में रह सके। जैसा कि आज हम सभी देखते हैं कि डे बाय डे AC का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। आजकल हर घर में AC लग रहा है, हर मॉल में, हर कॉम्प्लेक्स में, हर बड़े बिल्डिंग में AC का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो इसके इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के लिए भी HBSC इंजीनियर और HBSC टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आप इस डिमांड को देखते हुए HBSC का ट्रेनिंग करके आप अपना एक सक्सेसफुल कैरियर बना सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, ITI पास स्टूडेंट हो, तो आप HBSC का ट्रेनिंग करके HBSC फील्ड में एज ए HBSC टेक्नीशियन अपना कैरियर बना सकते हो। अगर आप डिप्लोमा, BE, BTech पास स्टूडेंट्स हो, तो आप HBSC का ट्रेनिंग करके HBSC फील्ड में एज ए HBSC इंजीनियर अपना कैरियर बना सकते हो। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में किस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है और इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग देने के लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट अवेलेबल है। ट्रेनिंग के दौरान आपको सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपका HBSC सिस्टम का क्लास स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहले आपको डोमेस्टिक AC के बारे में पढ़ाया जाएगा, जैसे विंडो AC, स्प्लिट AC, कैसेट AC के बारे में पढ़ाया जाएगा, और इन सभी का प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। उसके बाद इन AC में यूज़ होने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्रेसर के बारे पढ़ाया जाएगा, रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे पढ़ाया जाएगा। इसके बाद डक्टेबल AC, VRB, VRF के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा और प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। इसके बाद आपको चिलर प्लांट के बारे में पढ़ाया जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिलर प्लांट, जैसे एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड। इसके बाद आपको चिलर प्लांट में यूज होने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्रेसर, एयर हैंडलिंग यूनिट, कूलिंग टावर्स के बारे में बताया जाएगा। HBSC सिस्टम में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, प्रेशर को मेजर करने के लिए, एयर के वेलोसिटी को मेजर करने के लिए, डिफरेंशियल प्रेशर को मेजर करने के लिए, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है, उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इन सभी इंस्ट्रूमेंट पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। ये इंस्ट्रूमेंट PLC और DDC कंट्रोलर से कनेक्टेड होता है, उस लूप के बारे में भी बताया जाएगा और किस तरह हम लोग स्काडा और HMI के जरिए पूरे HBSC सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, उसके बारे भी आपको बताया जाएगा। क्योंकि आज के डेट में जो भी नया चिलर प्लांट लगता है, वो सारा DDC कंट्रोलर यानी PLC के जरिए कंट्रोल होता है। तो अगर आपके पास इन सभी चीज़ों का बेसिक नॉलेज होगा,
तो आप कॉन्फिडेंटली इन सभी चीजों पे काम कर पाएंगे। इनफैक्ट एक एक्सपर्ट HVAC इंजीनियर या टेक्नीशियन होने के लिए आपको मैकेनिकल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन का नॉलेज रखना भी जरूरी होता है। इसीलिए इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग दिया जाता है, मैकेनिकल ट्रेनिंग दिया जाता है और ऑटोमेशन के बारे में भी बताया जाता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कौन कौन सा ट्रेनिंग कराया जाता है। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, BE, BTech के क्वालिफिकेशन को देखते हुए बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराया जाता है, जैसे कि PLC एंड स्काडा प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, CCTV ऑपरेटर, इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल टेक्नीशियन, मैकेनिकल फिटर, वेल्डर, लैंड सर्वेयर, सिविल फोरमैन, ऑटोकैड ड्राफ्ट्समैन, क्रेन ऑपरेटर, एक्सकवेटर ऑपरेटर एंड JCB ऑपरेटर। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेनिंग से रिलेटेड और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का लैब आपको बेहद पसंद आया होगा और मैं ये भी बता दूं कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जिस भी ट्रेड में ट्रेनिंग दिया जाता है उसका भी लैब बहुत अच्छे से सेटअप किया गया है, क्योंकि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है जो यहाँ के स्टूडेंट्स को स्किल्ड और कॉम्पिटेंट बनाता है, जिसके बिना पर यहाँ के स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली किसी भी कंपनी में जाकर इंटरव्यू देते हैं और इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने कैरियर को लेकर चिंतित हैं और जॉब के लिए परेशान हैं, तो आइए आपको हम ट्रेनिंग देकर जॉब करने के लायक बनाएंगे। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, आप सभी का ये अधिकार है कि आप एक कामयाब जिंदगी गुजारें। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए आपके पास एक अच्छे जॉब का होना बहुत जरूरी है, और आज के इस कॉम्पिटेटिव टेक्निकल दुनिया में आपको जॉब तभी मिलेगा जब आपके पास टेक्निकल नॉलेज होगा। तो आइए आपको हम टेक्निकल ट्रेनिंग देकर जॉब करने के लायक बनाएंगे। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास स्किल होगा तो आपको जॉब डेफिनेटली मिलेगा। तो आइए काम सीखें और देश विदेश में नौकरी पाएं। इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और अगर हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर ले, ताकि कोई भी जॉब से रिलेटेड या ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि ये वीडियो हर जरूरतमंद तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।